बिहार फिशराइज डिपार्टमेंट योजना 2023 मत्स्य विभाग की 9 योजनाओं के लिए आवेदन शुरू, जल्दी करें। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार के तरफ से चलाई जाने वाली योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इसके तहत कुल 9 अलग अलग प्रकार की योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। बिहार राज्य के ऐसे व्यक्ति जो मत्स्य जुड़े अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, उन्हें सरकार के तरफ से इन सभी योजनाओं के तहत लाभ दिया जाएगा। तो अगर आप भी इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन करें। इसके लिए आवेदन कैसे करना है और कौन कौन से योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं, इसके लिए बारे में पूरी जानकारी नीचे विस्तार में दी गई है। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर देखें। फर्स्ट नेम बिहार फिशराइज डिपार्टमेंट योजना 2023 मत्स्य विभाग की 9 योजनाओं के लिए आवेदन शुरू, जल्दी करें। फर्स्ट डेट 18/12/2022। सेम नेम बिहार फिशराइज डिपार्टमेंट योजना। पोस्ट टाइप सरकारी योजना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेट 18/12/2022। लास्ट डेट 31/1/2023। अप्लाई ऑनलाइन डिपार्टमेंट बिहार फिशराइज डिपार्टमेंट ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक हियर। योजना शॉर्ट डिटेल्स। इसके तहत कुल 9 अलग अलग प्रकार की योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। बिहार राज्य के ऐसे व्यक्ति जो मत्स्य से जुड़े अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, उन्हें सरकार के तरफ से इन सभी योजनाओं के तहत लाभ दिया जाएगा। बिहार फिशराइज डिपार्टमेंट योजना 2023। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के तरफ से मत्स्य विभाग के तरफ से अलग अलग प्रकार की बहुत सारी योजनाओं चलाई जाती है। इसके तहत 9 अलग अलग प्रकार की योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इसके लेकर बिहार सरकार के तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया है। तो अगर आप भी मत्स्य पालन या इससे काम करते हैं या करना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने से जुड़ी जानकारी नीचे दी गई है। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने के लिए लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बिहार फिशराइज डिपार्टमेंट योजना 2023 इम्पोर्टेंट डेट। आधिकारिक सूचना जारी होने की तिथि 18/12/2022 से। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 31/1/2023। बिहार फिशराइज डिपार्टमेंट योजना 2023 योजनाओं का नाम। केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। राज्य योजना भ्रमण दर्शन योजना मत्स्य प्रशिक्षण की योजना 7 निश्चय 2 अंतर्गत योजना। निजी तालाबों की जीर्णोद्धार समग्र अलंकारी मत्स्य की योजना। खुले स्तरों में पेन आधारित मत्स्य पालन की योजना। बायोफ्लॉप एवं रिस्क्यूलेटरी एक्वाकल्चर आधारित तकनीकी में मत्स्य पालन की योजना। मुख्यमंत्री समेकित चोर विकास योजना। मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना। बिहार फिशराइज डिपार्टमेंट योजना 2023 योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत सरकार के तरफ से मत्स्य पालन के लिए अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान उनके जाति के आधार पर दिया जाता है। सामान्य जाति के आवेदक को इस योजना के तहत
40% तक सब्सिडी प्रदान किया जाता है। वहीं अगर आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर किसी वर्ग की महिला है तो उन्हें 60% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। समग्र अलंकारी मत्स्य योजना। योजना का अव्यय इकाई लागत अनुदान। थोक अलंकारी मत्स्य संवर्धन एवं विपणन योजना 12.26 लाख संख्या परमंडल स्तर। अलंकारी मत्स्य प्रजनन इकाई योजना 11.50 लाख संख्या जिला स्तर। अलंकारी मत्स्य इकाई सहायता योजना 12.26 लाख संख्या जिला स्तर। अनुदान अन्य वर्ग के लिए 50% अनुदान तथा अति पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 70% अनुदान देय है। नोट, इसमें अलग अलग योजनाओं के तहत अलग अलग प्रकार के लाभ दिया जाता है, जिसके बारे में पूरी जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। बिहार फिशराइज डिपार्टमेंट योजना 2023 ऐसे करें आवेदन। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहां जाने के बाद आपको वित्तीय वर्ष 2022-23 की योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन के लिए यहां क्लिक करें का लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको सभी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगा। वहां आपको पंजीकरण करने के लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आपको अपना पंजीकरण करना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसके माध्यम से आपको इसमें लॉगिन करना होगा। इसके बाद आप इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार फिशराइज डिपार्टमेंट का फॉर्म भरने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके फॉर्म भर सकते हैं।